अपन को करना है यहाँ तो HB पेंसिल लो, ठीक है, ये कॉलर वाला पोर्शन देखा, तो कॉलर वाले पोर्शन में पूरा नहीं करना, अपन को हल्का हल्का बाउंड्री के पास करो, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे किया धीरे से, देखना एक एक चीज अपन ब्लेंड करते जाएंगे, शेड करते जाएंगे, दोनों साथ में होगा। ब्रश लिया अपन ने, इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, मोनो जीरो इरेजर अपन को चाहिए पड़ती है या फिर अपन कुछ भी इरेजर यूज करेंगे, ये जो अपन को दिख रहा है ना एक इरेज सा इतना पोर्शन, तो ये अपन करेंगे, ठीक है। इसी तरह लो कॉलर वाला जो पोर्शन है इसे इतना इरेज करा, ठीक है। अब इरेज कर दिया, उतना कुछ खास लग नहीं रहा, तो अपन 12 HP पेंसिल लेंगे। अभी जो बॉर्डर है डार्क टू लाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा डार्क और अंदर जाते जाते लाइट, यहाँ से डार्क आएगा और धीरे धीरे अंदर जाते हुए लाइट होगा, ठीक है। ये अपन HP की जगह 2B पेंसिल से करो तो और बेटर है, थोड़ा और डेप्थ मिलेगी कि यहाँ पे डार्क थोड़ा सा काम। अगर 2B पेंसिल नहीं हो पा रहा है तो HP से ही करो, लेकिन स्मूथ आना चाहिए, ठीक है। ये किया अपन ने और फिर इसे ब्लेंड करो, डार्क टू लाइट वाले पोर्शन में से ब्लेंड करते हुए ले जाओ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे ब्रश पे इतना ग्रेफाइट है कि तुम ऊपर का हल्का सा जो हिस्सा है वो कर सकते हो, तो अपना ब्रश ऐसे चलाना स्टार्ट करो, यहाँ पे ऐसे करते करते धीरे बाहर की तरफ लाए, ठीक है। पहले यहाँ कॉलर पे करो, यहाँ पे ये बॉर्डर जो है ना, यहाँ यहाँ चलाओ ब्रश हल्का हल्का और बाहर की तरफ लाओ, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से थोड़ा ग्रेफाइट इकट्ठा करने की कोशिश करो और धीरे धीरे यहाँ कर्व करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हल्का फिर मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो नहीं हो रहा है तुम्हारे में उतना ग्रेफाइट नहीं है, तो अपन ने HP पेंसिल ली अपनी, मान लो ये वाला एरिया चूज करता हूँ, HP पेंसिल ली मैंने बहुत लाइट ली, ठीक है। पेंसिल को जितना लाइट यूज कर सकते हो उतना लाइट करो, इधर इधर मैंने ऐसे शेड करा, मान लो मेरे ब्रश में उतना ग्रेफाइट नहीं है, मुझे जहां जहां करना है मैं वहां वहां से स्मूथली कर रहा हूँ, जितना बड़ा बड़ा मैं करूँ उतना करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा रफ आ सकता है। तो अगर एक छोटे एरिया में हो रहा है तो तुम छोटे एरिया में करो, ठीक है। ये मैंने करा, तुम कैमरे पर यूज कर नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसे मैं ब्लेंड करूंगा, यहाँ वाला हिस्सा ब्लेंड नहीं होगा क्योंकि अपन देख सकते हैं रेफरेंस में ये वाइड है, मेनली ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाओ ब्रश, ये वाला हुआ, ठीक है। तो एक कॉलर वाला पोर्शन जो अपना है वैसे ब्लेंड, पहले इतना करो। 4B पेंसिल लिया अपन ने, ठीक है, 4B पेंसिल लेके अपन ये वाला पोर्शन करेंगे, तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आ रहा है, देखिए सिर्फ इतना हिस्सा लाइट है, ठीक है। तो ये हिस्सा अपन आराम से इसे नॉर्मली फिल करते ना, अपन इसे नॉर्मली अपन फिल कर रहे हैं, ठीक है, आराम से इतना ऐसे जो कर्व्स है ना, ये शेप यहाँ पे तो हल्का सा छोड़ देना, फिर यहाँ से ये डार्क करते हुए आया, ठीक है। इसे क्या किया अपन ने, छोटा सा एरिया है, इसे आराम आराम से ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से कर लिया। ब्लेंडिंग स्टंप पे एक बार ध्यान रखना, स्मजेस नहीं आने चाहिए, एक जगह दाग से बनते हैं। ये किया, ये करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा 6B से ये जो डार्क निकला ना अपन ये वाला पोर्शन 6B थोड़ा डार्क चला गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे 6B थोड़ा डार्क चलेगा, मैं ही नहीं बोला कलरिंग भर दो, लेकिन यहाँ 6B थोड़ा डार्क चलेगा और ऐसे बाउंड्री बाउंड्री पे भी चलेगा। ये कहता ना कि डार्क टू लाइट आ रहा, तो लेफ्ट टू राइट थोड़ा थोड़ा शेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आराम आराम से ये किया ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड, ओके, तो ये अपना हो जाता। अब मेन चीज जो है जो ध्यान रखने वाली है वो है ये शर्ट का पोर्शन, क्योंकि अपन में से बहुत डेलिकेटली बनाना है, वरना फिर वो ऐसी लगे कि अपन ने कहीं पे भी उल्टा सीधा शेड कर दिया, ठीक है। तो बेसिक शेडिंग अपन किससे करते हैं, HP से, तो अपन इतना हिस्सा पहले देखेंगे, ठीक है, आराम आराम से फिल करना, एक डायरेक्शन पकड़ लिया, कर्व है एक डायरेक्शन पकड़ लिया मैंने, अब मैं इसी डायरेक्शन में करते हुआ ये है, ये हुआ, उसके बाद ये डायरेक्शन पकड़ी मैंने, इतना ऊपर वाले हिस्से में ना चला गया,
शेड कर रहे हो ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाना चाहिए, पता चला ऊपर वाले हिस्से में भी तुम्हें गंदे से स्ट्रोक्स दिखने लगे। ये किया अपन ने आराम से, ये शेड किया ठीक है। अब जैसे ये वाला पोर्शन है एक बार ध्यान रखना, अपन शेडिंग किसी भी डायरेक्शन में करो लेकिन इतनी स्मूथ करो कि ब्लेंडिंग के बाद पता ना चले कि वो किस डायरेक्शन में। मान लो मैं यहाँ पे वर्टिकल कर रहा हूँ ठीक है, आराम आराम से मैं पूरा एरिया फिल कर रहा हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि बहुत ज्यादा डार्क कर दो, कि ये उतना ज्यादा डार्क नहीं है, ये ऊपर वाले हिस्से से लाइट रहना चाहिए, मतलब ऊपर वाले हिस्से से डार्क रहना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा लाइट रहेगा। आराम आराम से शेड करो, इसलिए मैं पेंसिल पीछे पकड़ के करता हूँ। तो ये अपना पहली लेयर जो है वो आराम से अपनी शेड हो गई। अब ब्रश लो आराम आराम से ब्रश से स्मूथली से ब्लेंड ठीक है, ऐसे सर्कुलर चलाओ ब्रश ताकि वो डायरेक्शन का पता ना चले, सब कुछ एक ऐसा स्मूथ ठीक है। तो ये अपन ने इसे आराम आराम से ब्लेंड कर दिया, पहले इतना करो फिर इसके बाद जो अपन को ये डेप्थ ऑफ रोल और हाईलाइट वाली लेयर है वाली लेयर करें। अपन ने अपनी इरेजर ली, देखो ये पतली होनी चाहिए, अगर तुम्हारी इरेजर बहुत मोटा इरेज करे तो मत करो, ये वाला हिस्सा इरेज जा रहा है ऊपर, ये हाईलाइट जो अपन को दिख रहे हैं मान लो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, फिर यहाँ से ये वाई शेप अलग जाते हुए दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये वाला हिस्सा थोड़ा दिख रहा है, फिर ये वाला जो पोर्शन है ये, फिर एक ये हल्का सा कर्व यहाँ पे, ये इरेज हुए। अब इरेज करने के बाद अपन ने ली 4B पेंसिल, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके जो अपन ने इरेज किया उसके लेफ्ट, ये डार्क टू लाइट जाएगा। पेंसिल को थोड़ा डार्क यूज करना, ऐसे नहीं कि बहुत डार्क यूज करने लग गए, थोड़ा डार्क यूज करना और डार्क टू लाइट ले गए, डार्क था लाइट आ गया ताकि ये अपनी ब्लेंडिंग में आसानी रहे। ऊपर वाला हिस्सा था लेफ्ट साइड, इसके पोर्शन भी थोड़ा डार्क होगा और अंदर जाते जाते ये लाइट हो गया ठीक है। फिर ये है यहाँ पे अपन शेड कर रहे हैं, ये है तो यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्सा इतना वाला पोर्शन है ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आगे डार्क टू लाइट होता गया, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन आता है ऊपर का हिस्सा थोड़ा डार्क रहता है हमेशा, शेडो वाला, असल में शेडो आ रही है, ये जो आ रही है ना ये शेडो है, तो अपन को ये शेडो बनानी है, इस तरीके से लाइट रहेगा ठीक है। इस तरीके से धीरे से ही अपन ने करा। अब इतना करने के बाद अपन लेंगे 2B पेंसिल, क्योंकि इतना डार्क अपना काफी है। अब अपन को जो करना है वो होगा 2B पेंसिल से, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये जो अपन कर रहे हैं 2B से करेंगे, लेकिन 2B ऐसे नहीं बहुत डार्क यूज करना, 2B को लाइटली यूज करना और स्मूथली, रफ हिस्सा नहीं चाहिए ठीक है। ये हुआ, फिर ये वाला पोर्शन धीरे धीरे जाते आते फेड होगा, ये अपना 2B, 2B को अपन ऑलरेडी बहुत लाइट यूज कर रहे हैं ठीक है, और लाइट होता रहेगा ठीक है। ये हुआ है जो ये थोड़ा सा डार्क हुआ। अब एक बात ध्यान रखना, कॉलर के नीचे यहाँ यहाँ देख सकते हो थोड़ी शेडो आ रही है हल्की हल्की, तो वही चीज आनी चाहिए, मैंने इसलिए बोला था ऊपर वाला पोर्शन लाइट होना चाहिए नीचे वाले से। अब ये जो अपन ने जो किया है, अब ये धीरे धीरे यहाँ फेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दो, वैसे 2B यहाँ पे आ रहा है, आने दो से, और अब धीरे धीरे 2B यहाँ आते आते एकदम HP के ग्रेड जितना हो जाएगा लाइट, और ये धीरे धीरे यहाँ पे खत्म ठीक है। ये दिख नहीं रहा है कि कहाँ खत्म हुआ है, बस हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग स्टंप लो, साफ कर लेना ब्लेंडिंग स्टंप,
पहले जो अपन ने डार्क टू लाइट वाली, तो डार्क से स्टार्ट करते हैं अपन और लाइट वाले पोर्शन में जाते हैं कि डार्क से स्टार्ट किया और धीरे धीरे लाइट वाले पोर्शन में गए, डार्क से स्टार्ट किया और धीरे धीरे लाइट वाले पोर्शन में। बहुत ज़्यादा ऐसे मत प्रेशर के साथ करना वरना मजे आ सकते हैं, स्मूथ नहीं करना। ये आ रहा है अपना धीरे धीरे यहाँ पे। अब ये जो अपन ने हाइलाइट्स दिए थे पहले इनके सराउंडिंग कर लो, जैसे ये किया और इसकी सराउंडिंग में ये कर लिया, ये किया फिर इसकी सराउंडिंग में ये कर लिया, ठीक है। तो थोड़े उठे हुए लगने चाहिए। अब अपन को कुछ नहीं करना, अब अपन को बस सिंपली ब्रश चलाना है। पहले हल्का हल्का यहाँ चला लो ताकि और स्मूथ हो जाए, और बाकी का हिस्सा अपन ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। इसे सर्कुलर चलाओ ताकि और अच्छे स्मूथ ब्लेंडिंग हो, ठीक है। बड़ा एरिया आ जाता है तो इसे कॉटन से भी कर सकते हो, तो आराम आराम से। देखो कॉटन से कैसे करना, लेफ्ट टू राइट ले जाओ धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए, तो क्या होगा डार्क टू लाइट अपन को आराम से अच्छा जो ग्रेडियंट चाहिए अपन को वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपनी शर्ट का कर लेते हैं। एक बार ध्यान रखना ये आराम आराम से करना, किसी जगह अगर रफ दिख रहा हो उस जगह आराम से ब्लेंड करना, जगह भी इसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने स्मूथली ब्रश चला रहे हर जगह और ये अपना हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा ही लाइट लग रही है अपन को, तो हल्का हल्का जो ग्रेफाइट अभी इकट्ठा हुआ है वो हल्का हल्का यहाँ चला देंगे अपन, तो उतनी भी एकदम लाइट ना लगे। और ये जो बीच में ब्लेंड हो गई है ये देखो बहुत डार्क कर दिया, कर दो तुम लोग बहुत डार्क कर देते हो, ये आउटलाइन आउटलाइंस हल्की सी रहेंगी, बस अपन को एक शेप का आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ है, ठीक है। इस तरीके से अपनी शर्ट करो, इतना HB पेंसिल लो, HB, ठीक है। HB से ऊपर से शेड करना या नीचे से करना, तो किससे करेंगे अपन, अपन एक काम करते नीचे से करते, ये नीचे वाली फिंगर है ये पूरा HP से लाइट थी। अब ऐसे ये नहीं बोला कि बहुत डार्क शेड करो, लाइटली शेड करा, फिर इस वाली फिंगर पे आते हैं तो अपन को पता चलता है यहाँ पे नकल्स यहाँ रहते हैं, जो शाइन वाला पोर्शन है वो होगा ही नकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवल शेप है, एक हिसाब बता रहा हूँ मैं ड्रॉइंग में, तो नीचे से शेड करोगे पूरा आराम आराम से बहुत लाइटली। ये अभी अपन को बहुत डार्क नहीं करना क्योंकि हाईलाइट्स फिंगर्स में भी है कि बाद में इरेज करने में प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे किया, यहाँ रेफरेंस में देख सकते हो नकल्स पर थोड़ा वो कैसे इतना हिस्सा ओवल का हिस्सा, ये ऐसे धीरे धीरे इतना हिस्सा ये छोड़ दो, ठीक है। फिर इस साइड वाले आते हैं तो इसमें भी ओवल शेप नहीं रहता टेक्निकली, कोई ट्राइंगल शेप रहता है ऐसे नकल्स का, ठीक है। यहाँ पे रहेगा थोड़ा, यहाँ पे रहता है, फिर हर उंगली के इस वाले पोर्शन, ऐसा कोई फिक्स नहीं बनाना है, एक हिसाब समझ में आ जाना चाहिए अपन, ठीक है। फिर ये वाली जो फिंगर है इसे भी पूरा शेड करा। अब एक बार ध्यान रखना जो आउटलाइन है ये तुम्हें ड्रॉ नहीं करनी, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया है, तो उसका हिस्सा छोड़ देना है शेड करते समय। तुम लोग जब ड्रॉ करते हो तो तुम उसे आउटलाइन बनाने बैठ जाते हो, ठीक है। फिर यहाँ से शेड करते हुए गए पीछे, पीछे जाते जाते लाइट होने लग गया, यहाँ पे जाते जाते शेडिंग लाइट होती गई और एकदम वैनिश यहाँ पे आई और धीरे धीरे शेड होते जाते वैनिश। इस तरीके से अपन ने अपनी फर्स्ट लेयर दी। अब एक बार ध्यान रखना इसे ब्लेंड करने का, पहले जो ब्लेंड कर रहा है अपन इसे धीरे धीरे नकल्स के आसपास ब्लेंड कर लेंगे, हमें ये नहीं बनाना है, ठीक है। आराम से ब्रश को चलाओ, फिंगर्स ब्लेंड हो जाएंगी धीरे धीरे, जैसे अपन ये वाला पोर्शन किया था कि बॉर्डर्स बना ली थी धीरे धीरे करते हुए अंदर आ रहे, उसी तरीके से। और बहुत छोटे छोटे सर्कल्स नहीं बना लेना, ये सर्कल्स नहीं है ये, ठीक है। एक ट्राइंगल कर्व एजेस वाले ट्राइंगल टाइप है ये, रेफरेंस दे के तुम्हें एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे है ये, ओके। ये अपना फर्स्ट लेयर ब्लेंड हो जाती है, इतना करो ये नीचे वाली फिंगर कर दे। तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पहले तो नाखून के पास पास शेड करना स्टार्ट करते, कैसे छोटे छोटे सर्कुलर शेडिंग बताई थी मैंने,
आराम से यहाँ सर्कुलर शेडिंग करना चालू कर देना आपके आसपास, तो धीरे धीरे बॉर्डर पे ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ कर दिया था, यहाँ देखो थोड़ा ऊपर आया, फिर करते करते हल्का हल्का ऊपर की तरफ आएगा, फिर नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि नीचे की तरफ कर्व गया है, कर्व में ही होनी चाहिए शेडिंग, और स्मूथ होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज़, ये है इसकी बॉर्डर पे गया ऐसे। अब हाईलाइट जो है अपना तुम देख सकते हो, ये बीच का हिस्सा हाईलाइट दिख रहा है, साइड वाला नहीं दिख रहा, ठीक है, ये डार्क है, ये हिस्सा कर्व आया, ये डार्क है, ठीक है, इस तरीके से, पर थोड़ा हल्का हल्का, तो बीच वाला जो हिस्सा है ये है। अब अपन को क्या, हल्का हल्का इसे आगे ले जाओ ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे, थोड़ा यहाँ लाए, ओके, फिर अपन ब्लेंडिंग स्टंप लेंगे, बहुत आराम से करने अपन को ब्लेंडिंग स्टंप से मजे जा सकते, होनी चाहिए पहले नाखून के आसपास किया अपन, फिर ये बॉर्डर बॉर्डर पे किया, ये वाले हिस्से पे ऐसे धीरे धीरे सर्कल्स में चलाओ आराम आराम से, ये किया, इसके बाद ब्रश लो, ब्रश से ध्यान से करना, बीच का हिस्सा फिल नहीं हो जाना चाहिए अभी, ठीक है, ये हुआ, तो इससे अपना डार्क लाइट जो बनना चाहिए वो हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ये आते हैं ये हल्के हल्के अपन बना देते हैं, तो भले तो मैं रिफ्ट हो सकता, तो मैं अभी प्रिंट आउट में नहीं दिख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जब फोन पे फोटो खोलोगे तो और जूम करोगे तो दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, इस तरीके के, कुछ कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे मान लो नाम तो हल्के हल्के ऐसे कर्व शेप में थोड़े से रिपल्स से आते हैं, लियो कि यहाँ पे ये आया, बहुत ज्यादा डार्क नहीं बोलना बनाने, फिर यहाँ पे आएगा एक हल्का सा ऐसे जाता है ना, बड़ा सा एक क्रैक आएगा उसके आसपास, एक जो जो छोटे से, ठीक है, इस तरीके का आएगा। तो ये करने के बाद अपन को क्या करना है, 6B पेंसिल है, ये 6B पेंसिल है जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अपन को थोड़ा और डार्क चाहिए, तो ये नाखून के नीचे डार्क चाहिए, ये हल्का हल्का ऐसे नाखून के ऊपर ऊपर डार्क चाहिए। अब ये वाला जो पोर्शन अपन ने किया है, ये अपन ने बनाया ना, इस पे डार्क चाहिए होता, ये रहता इस पे डार्क, अब ऐसे नहीं कि एकदम डार्क करके छूट जाओ, उसे आराम आराम से बाहर की तरफ थोड़ा लाइट ले जाओ, डार्क थोड़ा ये वाले एरिया में भी डार्क आएगा क्योंकि शेडो की वजह से, ओके, इस तरीके से। अब अपन ऐसे भी सेम वही ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड करेंगे बहुत स्मूथली, सर्कुलर चलाओ तो बेटर रहेगा, ब्लेंड भी आसानी से होता है और इवन होता है ब्लेंड, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक फिंगर कर लेते हैं, ठीक है, अब फिंगर हो जाती है उसका बस पैन नील, तो नील की इस तरीके से आउटलाइन दिया अपन ने, पहले तो बहुत डार्क नहीं देना, लाइट ही देना है अपन को, नील की आउटलाइन दी अपन ने, अब ध्यान दो अपन ने मोनो जीरो इरेजर लियो, नील की जो टिप रहती है जैसे ये, इस पे थोड़ा इरेज की रही है, ठीक है, और बाकी का हिस्सा अपन ने अपनी जैसे मैकेनिकल पेंसिल से जो वर्टिकली शेडिंग रहती थी इसकी मदद से ऐसे शेड कर लिया ये, ठीक है, तो ये अपना फिंगर हो जाती है, ये हल्की हल्की जो आउटलाइन अपनी ब्लेंड हो गई है, ये दे देना इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से एक हो जाती है, अभी अपन और डिटेलिंग करेंगे, ठीक है, इतना एक बेसिक काफी है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।